हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ऋग्वेद R6 होम्योपैथिक ड्रॉप के विषय में। R6 होम्योपैथिक ड्रॉप का इस्तेमाल या लाभ क्या है, आइए देखते हैं। बड़ों में अथवा बच्चों में जब फ्लू की डिजीज चल रही होती है तो उस समय हम R6 को प्रीफर करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, 4 से 8 दिन तक, ठीक है, सर्दी, खांसी, बुखार, ठंड के साथ तेज बुखार, निचली, दस्त इत्यादि जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं, फ्लू के। तो बच्चों में और बड़ों में जो फ्लू की जो समस्याएं होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर ऋग्वेद R6 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बीमारी बड़ों में अथवा बच्चों में फ्लू की शिकायत खाने के बाद या पहले आप इसे ले सकते हो। तो इसको हम कैसे लेंगे, खाने से पहले बच्चों में 7 बूंद, बड़ों में 15 से 20 बूंद, कब, हर घंटे में 1 बार, कब तक, बुखार उतरने तक। उसके बाद 3 घंटे में आप सेम डोज को रिवाइज करते रहोगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी प्रक्रिया को हमें कितने दवा लेने की अवधि कितने दिन तक होगी, डॉक्टर के अनुसार जब तक वो डायग्नोस करेंगे उनके अनुसार क्या होगा, डिसाइड किया गया डोज और ड्यूरेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके। तो उसके बाद अगर वार्निंग में क्या है, प्रेग्नेंट लेडी, लीवर किडनी तथा हार्ट पे इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पड़ता। गर्भवती महिला और मदर फीडिंग, जो बेबी फीडिंग मदर्स होती है उस पर इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस कोई भी दवा अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए कि यह डोज या यह दवा आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यह सारी जानकारी आपको हमने दी डॉक्टर ऋग्वेद R6 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में।